नमस्ते स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर कोमल राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कुमार वैद्य, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिजल्स के बारे में। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था मम्स के बारे में, जो कि मैंने बताया आपको मम्स एक कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है, जो कि पैरामिक्सो वायरस की वजह से आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड जेनोमिक वायरस है ये, जो मम्स फैलाता था। अब इसके बाद हम इसी के साथ पढ़ेंगे मिजल्स के बारे में। सो मिजल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिजल्स है क्या, इसका इंट्रोडक्शन में, मिजल्स इज एन अक्यूट हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज कॉज बाय द मिजल्स वायरस। इट इज कैरेक्टराइज बाय फीवर, यूआरटी, कैटरल इन्फ्लेमेशन, पॉप्लिक स्पोर्ट्स एंड म्यूकोलोपैपिली। कहने का मतलब है कि म्यूजल्स मिजल्स जो है मम्स की तरह ही अक्यूट कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है, जो कि मिजल्स वायरस की वजह से होता है, और इसके अंदर मेनली पेशेंट को फीवर, पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कैटरल इन्फ्लेमेशन, मतलब नाक से लेकर ये पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन मिलता है। और स्पेसिफिक बात मिजल्स के लिए ये है कि इसके अंदर कॉप्लिक स्पॉट्स पाए जाते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ये बकल कैविटी के अंदर छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, उसे कहते हैं। और बॉडी के ऊपर क्या मिलेगा आपको, मैक्यूलो पैप्यूली स्पॉट मिलते हैं। सो मीजल इज अ कैरेक्टराइज बाय स्मॉल रेड डॉट अपीयरेंस अपेयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन। इसके अंदर लाल कलर के रेड डॉट्स हो जाते हैं स्किन की सरफेस पे, और आंखों में इरिटेशन रहती है, इरिटेशन ऑफ द आई स्पेशली ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट का एक्सपोजर होता है तो पेशेंट्स की आईज में इरिटेशन होगा लाइट से, चाहे वो सनलाइट हो या नॉर्मल लाइट हो। कफिंग पेशेंट को रहती है, रनिंग नोज रहेगा, क्योंकि वो कैटरल इन्फेक्शन का ही एक टाइप है। जैसे अपने को नॉर्मल कोल्ड के सिम्टम होते हैं, ऐसे ही कैटरल आईज या कैटरल इन्फ्लेमेशन है वो मिलता है। अबाउट 12 डेज आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर द फीवर, स्नीजिंग एंड रनिंग नोज, ये हमें कैटरल इन्फ्लेमेशन के अंदर पेशेंट में दिखेगा ही 12 दिन तक, जब भी मीजल्स पेशेंट को अगर हो जाता है तो। इसके बाद इसमें आगे बताया गया है कि ये जो वायरस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीजल्स वायरस की वजह से हो रहा है मीजल्स, तो मीजल्स वायरस क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्लस इम्यून सिस्टम को और स्किन पे इस वायरस का इफेक्ट आता है। तो ये वायरस पैरामिक्सो वायरस है, इसको दूसरा नाम मॉर्बी वायरस, ये इसको रूबेला वायरस भी कहते हैं। वो बात अलग है कि रूबेला वायरस रूबेला कॉज करता है, ठीक है, तो आप इसको पैरामिक्सो वायरस के नाम से ही याद रखें। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन का होता है, ठीक है। स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन के थ्रू फैलता है। कॉन्टेक्ट विद फ्लूड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन नोज एंड माउथ एंड इज हाईली कॉन्टेजियस। पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इसकी 4 से 9 दिन की रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्फेक्शन का पीरियड कितना है, और ये भी क्लोज कॉन्टेक्ट से और ड्रॉपलेट मेथड से फैलते हैं, और नोज के या माउथ के सिक्रीशन से, जिसको हम ड्रॉपलेट मेथड कहते हैं, इससे हाईली कॉन्टेजियस माना जाता है। मीजल्स वायरस की पिक्चर यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। इसमें बता रखा है मीजल्स वायरस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस एंड एनवेल्प, एनवेल्प मतलब कि एनवेल्प आरएनए वायरस जो है वो भी एनवेल्प होता है लिपिड लेयर से। जैसे कि मैंने आपको मम्स के अंदर बताया था, इसमें लिपिड की बाय लेयर रहती है, बाय लेयर ऑफ लिपिड से कवर रहता है, आरएनए वायरस है ये भी, लेकिन ये नेगेटिव स्ट्रेंथ है। इसके इसको फैमिली पैरामिक्सोविरिडी है, जीनस इसका मॉर्बिली वायरस इसकी जीनस है। ह्यूमंस आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द वायरस, नो एनिमल रिजर्वायर इज नोन टू एग्जिस्ट। ह्यूमन ही इसका नेचुरल वायरस, मतलब ह्यूमंस के अंदर ही मिजल्स फैलता है, जानवर इसके रिजर्वायर नहीं होते। सो व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ मिजल्स, मिजल्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सो वंस अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद द वायरस मल्टीप्लाई इन द बैक ऑफ द पर्सन थ्रॉट। ये वायरस कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि मम्स में मैंने बताया था आपको, ग्लैंड के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर ये जो है वो रेप्लीकेट हो रहा था। यहाँ पे बताया है कि मिजल्स वायरस जो है ये पर्सन के थ्रॉट में और लंग्स में, क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, अपर रेस्पिरेटरी, तो ये कहाँ तक चले जाते हैं,
मुंह के सलाइवा और नोजल सिक्रीशन में ही इस वायरस का अटैक होता है, या इसी के थ्रू फैलते हैं, तो ये थ्रोट और फिर लंग्स तक पहुंच जाते हैं एंड देन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, और फिर पूरी बॉडी में फैलेंगे ये, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन से भी इसका स्प्रेड होता है बॉडी के अंदर। सो द फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेलेज, तो जैसे ही ब्लड के अंदर ये वायरस अगर मिल जाता है तो मेलेज यानी बॉडी एक की कंडीशन रहती है, अ हाई टेम्परेचर, फीवर तो आएगा ही, सोर आईज, सोर थ्रोट एंड आईज बर्निंग सेंसेशन, रनिंग नोज यूजुअली अकर इन द फर्स्ट फर्स्ट वीक मान लीजिए, एंड स्मॉल व्हाइट स्पॉट यूजुअली डेवलप इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखेंगे, एक दिन के अंदर ही या थोड़े दिन में ही, दे कैन परसिस्ट फॉर सेवरल डेज, और ये काफी दिनों तक परसिस्ट रहते हैं। अ हार्श ड्राई कफ, पेशेंट के ड्राई कफ बनता है, उसको निकालने की कोशिश करता है लेकिन उससे निकलता नहीं है, वो तो बार बार कफिंग करेगा, डायरिया पेशेंट को रहता है, वॉमिटिंग की कंडीशन है वो भी हो सकती है। अ रेड ब्लॉची रैशेस नॉर्मली डेवलप अबाउट 3 to 4 days आफ्टर द फर्स्ट सिम्टम, जैसे ही इसका अटैक होगा मिजल्स वायरस का, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर लाल कलर के जो रैशेज है यानी कि जो मैक्यूली फॉर्म है वो बन जाती है, और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, हेड एंड नेक, सर और नेक वाले एरिया से स्टार्ट होती है और फिर स्लो डाउनली स्प्रेड हो जाती है पूरी बॉडी में। इट्स टेक 2 to 3 days टू कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, ये 2 से 3 दिन लगाती है पूरी बॉडी के अंदर फैलने में। द रैशेज ऑफन टर्न, अब ये रैशेज जो है वो चेंज भी हो सकते हैं ब्राउनिश कलर में एंड ग्रेजुअली फेड ओवर अ डे, मतलब स्टार्टिंग में तो ये रेड कलर के रहेंगे, फिर 2 से 3 दिन के अंदर ये बढ़ते बढ़ते हेड नेक एरिया से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, 2 से 3 दिन बाद पूरी बॉडी में फैलने के बाद ये रैशेज रेड कलर से ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं और फिर धीरे 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 फैड होने लग जाते हैं। सो हाउ इज मीजल डायग्नोज, अब मीजल्स को आप डायग्नोज कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि मीजल्स मीजल्स ही है ये, सो फिजिशियन विल यूजली बी एबल टू डायग्नोज मीजल्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स रैशेज एंड स्मॉल स्पॉट इन साइड द माउथ। मैंने आपको बताया स्मॉल कलर के व्हाइट स्पॉट जो है वो ही होते हैं कॉपटे के स्पॉट्स, तो अगर डॉक्टर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कुछ बताते हो कि मेरे ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको डॉक्टर बोलता है मुंह ओपन करो, और वो टॉर्च से जब चेक करता है तो अगर उसको व्हाइट व्हाइट स्पॉट आपकी बकल कैविटी में बक्कल मुखोसा में दिख रहे हैं तो वो तुरंत डायग्नोज कर लेगा कि ये मम्स है कि मीजल्स है। अगर मीजल्स है तो आपकी ये पैरोटिड लिम्फ नोड्स या सबलिंगुअल या सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स, वो सोलन मिलेगी, कान के पास टेंडरनेस वगैरह मिलेगी, तो वो मम्स की एक अलग डायग्नोसिस हो सकता है। लेकिन अगर मीजल्स की बात करेंगे तो रेड कलर के सॉरी व्हाइटिश स्मॉल स्पॉट्स जो है वो मुंह के अंदर मिलते हैं, तो वो कॉपरी के स्पॉट से आप पहचान सकते हैं। हाउएवर अ सिंपल ब्लड एंड सलाइवा टेस्ट इज यूजुअली डन टू कंफर्म डायग्नोसिस, इसीलिए सिंपल ब्लड को ब्लड टेस्ट से और सलाइवा टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं इसका डायग्नोसिस, बाकी जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं वो ब्लड से डायग्नोस होते नहीं है स्पेसिफिकली उनके लिए। मैंने बताया था आपको आरटीपीसीआर करवाते हैं या फिर एलाइजा टेस्ट वगैरह करवा के, या सलाइवा या माउथ का कोई भी स्वाब लेके आप इसको कंफर्म कर सकते हो। इसके बाद पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि क्या क्या, क्योंकि मम्स का कॉम्प्लिकेशन आपको बताया था एपिडिडाइमाइटिस या फिर उफोराइटिस, मेस्टाइटिस है ना, ऑर्काइटिस, ये सब उसके सारे सिम्टम्स है, एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है, तो मिजल्स के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। सो द कॉम्प्लिकेशंस आर मोर लाइकली इन चिल्ड्रंस विद द पुअर इम्यून सिस्टम, दोज हु आर माल नरिश्ड, चिल्ड्रंस एज आफ्टर अंडर 5 ईयर्स एंड एडल्ट, मतलब कि अगर अगर पेशेंट का पुअर इम्यून सिस्टम है तो हो सकता है कि वो माल नरिश्ड का शिकार हो, 5 साल से कम के बच्चे या उससे ज्यादा एडल्ट। मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में कंजक्टिवाइटिस मिलेगा, क्योंकि अगर वायरस का अटैक थ्रोट और नेजल म्यूकोसा और बक्कल म्यूकोसा में ही है तो उससे सबसे पहले आई इन्फेक्टेड होगी, तो कंजक्टिवाइटिस मिल सकता है। ऑब्वियस सी बात है, नाक में और गले में इन्फेक्शन है तो आपकी जो वोकल आपकी जो ये वोकल वॉइस बॉक्स है
आपके जो लैरिंग्स वाला एरिया उसमें इन्फ्लेमेशन मिलेगा, तो लैरिंजाइटिस हो सकता है, ईयर क्लोज में पड़ता है ईयर इन्फेक्शन हो सकता है, एंड इन्फेक्शन ऑफ एयर वे सच एज ब्रोंकाइटिस, फिर ये आगे लंग्स तक पहुंचेगा तो ब्रोंकाइटिस मिलेगा। ये ब्रोंकाइटिस कॉमन इसमें कॉम्प्लिकेशन है। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर ईयर का कंजेक्टिवाइटिस, लैरिंजाइटिस, ईयर इन्फेक्शन एंड देन लंग्स तक पहुंचेगा तो ब्रोंकाइटिस भी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो हम ट्रीटमेंट की बात करें कि हमें ट्रीटमेंट क्या क्या करवाना चाहिए, मीजल्स के अंदर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या हो सकता है। तो देर इज अ नो स्पेसिफिक मेडिसिन दैट किल द मीजल्स वायरस। मीजल्स वायरस के लिए स्पेसिफिकली अलग से कोई भी मेडिसिन नहीं है। सो ट्रीटमेंट एम टू ईज सिम्टम अंटिल द बॉडीज इम्यून सिस्टम क्लियर द इन्फेक्शन। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मीजल्स इन्फेक्शन के लिए स्पेसिफिकली कोई ड्रग नहीं है जब तक कि आपका इम्यून सिस्टम ही उस इन्फेक्शन को शरीर से ना खत्म करे। क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं रिजर्वायर के तौर पे अगर अगर आपके शरीर में रह जाता है तो आपके ये डिजीज ठीक नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहले आपके इम्यून सिस्टम से को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि वो इन्फेक्शन को खुद ही खत्म कर दे। तो सबसे बड़े बड़ी बात है कि इम्यून सिस्टम इसमें अच्छा होना चाहिए। फॉर मोस्ट केसेस रेस्ट एंड सिंपल मेजर्स टू रिड्यूस फीवर आर एडवाइज फीवर आर एडवाइज सिम्टम्स विल यूजुअली डिसअपेयर विद इन अ 10 डेज। तो सिम्टम्स जो है वो यूजुअली 10 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मेनली इसमें फीवर मिलता है तो फीवर जो है वो भी अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर रेस्ट वगैरह किया जाए, प्रॉपर हाइड्रेशन वगैरह दिया जाए, तो फीवर अपने आप ही रिड्यूस होता देखा गया है और सिम्टम्स जो है वो 10 दिन के अंदर अपने आप ही खत्म हो जाते हैं अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रांग है तो। सो फॉलोइंग मेजर्स आर यूजुअली, अब इसमें फॉलोइंग मेजर्स के अंदर जैसा मैंने आपको बोला एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हो, प्रॉपरली हाइड्रेट रह सकते हो आप, है ना, और रेस्ट अगर करते हैं तो भी इसमें बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार का एंटीपायरेटिक और एंटी पेन किलर आप लेके आप पेशेंट को आराम दे सकते हो पेन किलर्स, क्योंकि इसमें पेन वगैरह अगर है पेशेंट के, मलेज जो है मेन कॉमन सिम्टम है तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो इसमें बताया है शुड ड्रिंक एक्सेसिव वाटर, इसमें हमें वाटर को एक्सेसिव इनटेक करना चाहिए टू अवॉइड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए पैरासिटामोल और आइबुप्रोफेन कैन बी टेक टू रिड्यूस फीवर। फीवर को रिड्यूस करने के लिए हमें पीसीएम में आइबुप्रोफेन लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करें अगर कॉम्प्लिकेशन अगर बढ़ जाते हैं तो। इसमें मिजल्स इम्यूनाइजेशन की बात की है, 2 डोज ऑफ वैक्सीनेशन आर यूजली द फर्स्ट फॉर चिल्ड्रंस एज विद 12 to 13 मंथ एंड द सेकेंड यूजली गिवन एट द एज ऑफ 3 to 5 ईयर। तो ये जो एमएमआर है उसके बारे में स्पेसिफिकली बताएं, 12 से 13 महीने पे आप दे दें 2 डोज इसकी, है ना, और उसके अलावा 3 से 5 साल में भी इसकी सेकेंड डोज लगाई जाती है। तो इम्यूनाइजेशन गिव एक्सीलेंट प्रोटेक्शन एंड सो मीजल्स इज नाउ कंपेरेटिवली रेयर। तो मीजल्स अब रेयरली ही मिलती है बच्चों में, तो इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। सो थैंक यू, होप आपको मम्स एंड मीजल्स जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। फर्स्ट सेशन में हमने मम्स की बात की थी और सेकेंड सेशन के अंदर हमने मीजल्स को समझा। तो अगर आपको मम्स और मीजल्स से रिलेटेड इस सेशन में या इससे प्रीवियस सेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बिलो सेक्शन। आई विल ट्राई टू डेफिनेटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच।